एक बोर्ड है मेरे पास जो कि R33 का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको DC पावर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जब मैं पावर कनेक्ट करता हूँ तो मैं पावर कनेक्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं DC मशीन ऑन है। तो मैंने पावर जैसे कनेक्ट किया, आप DC मशीन के अंदर एक रेड लाइट की ब्लिंक हो रही है, लेकिन वो ब्लिंक 1 सेकंड के अंदर बंद हो जा रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बोर्ड में शॉर्टिंग है। अब इस बोर्ड में जो शॉर्टिंग है वो किस सेक्शंस में हो सकती है, और मैं अगर आपको, जैसे DC मशीन है अभी आपके पास, और DC मशीन के अंदर आप देखें कि दो तरीके से शॉर्टिंग हमें दिखाई देती है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, इसके अंदर DC के अंदर आप जो शॉर्टिंग्स देखते हो अक्सर, वो जो शॉर्टिंग्स आती है, तो जब आप कनेक्ट करते हो तो इस तरीके से रेड लाइट ब्लिंक हो जाती है परमानेंट। लेकिन इस बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, रेड लाइट ब्लिंक होती है लेकिन तुरंत बंद हो जाती है। 1 सेकंड के अंदर लाइट ब्लिंक हो रही है, बंद हो रही है, ब्लिंक हो रही है, बंद हो रही है। तो ये शॉर्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, 19 वोल्ट में भी हो सकती है, स्टेप डाउन सर्किट में भी हो सकती है, बैटरी सर्किट में भी हो सकती है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद होगा। लेकिन ऐसा तो सबसे पहले हम 19 वोल्ट की शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो हमारे बोर्ड में CLR यहाँ पर है, R33 के बोर्ड में। तो ये रहा मल्टीमीटर हमारा, और इस मल्टीमीटर के अंदर अगर हम डायोड रेंज पे इसे सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पर ये बीप मोड, और ये हो गया डायोड मोड। डायोड मोड पे आप CLR का इम्पीडेंस चेक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 वोल्ट की लाइन ही शॉर्ट है। लेकिन बहुत सारे मदरबोर्ड में जब 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होती है तो परमानेंट रेड लाइट ब्लिंक रहती है, बट इस बोर्ड के अंदर ब्लिंक 1 सेकंड के अंदर बंद हो रहा है, क्योंकि इस बोर्ड में प्रोटेक्शन सर्किट है 19 वोल्ट को लेकर। इस बोर्ड में प्रोटेक्शन सर्किट है क्योंकि इसमें जो मॉस्फेट्स लगे हुए हैं ना विन सर्किट के अंदर, इसमें जो विन सर्किट के अंदर जो ये आप बड़ा सा मॉस्फेट देख रहे हो, इसको हमारी चार्जिंग IC कंट्रोल कर रही है AC ड्राइव से। और जो चार्जिंग IC AC ड्राइव कॉन्सेप्ट वाला होता है उसके अंदर एडवांस प्रोटेक्शन होता है जो ऑटो कट बोर्ड में DC मशीन में दिखाता है। हम सब इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, CLR के ऊपर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और जो कंपोनेंट हीट हो रहा है उस कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं, बोर्ड हमारा बन जाता है। 19 वोल्ट की शॉर्टिंग इसी तरीके से चेक करना है। बोर्ड पे एटलीस्ट आपको CLR पहचानना आना चाहिए कि बोर्ड में CLR कहाँ लगा होता है। आगे अगर मैं और बाकी सर्किट्स का इम्पीडेंस चेक करूँ, जैसे यहाँ पर 3 वोल्ट 5 वोल्ट है, बैटरी सर्किट का कॉइल है, इधर रैम का कॉइल है 1.8 वोल्ट का, 1.05 वोल्ट का, कोर का, ये सारे कॉइल यहाँ पर है। बाकी सभी का भी इम्पीडेंस हम चेक कर सकते हैं, बट हमें पहले ही इंडिकेशन मिल गया कि हमारी जो CLR की लाइन है पूरे बोर्ड में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहीं से होता है, पूरी जगह पे जो 19 वोल्ट जाता है इसी से कनेक्शन होता है। जितने भी ट्रैक्स 19 वोल्ट के बोर्ड पे है वो इसी CLR से कनेक्शन है। तो बोर्ड में कहीं पर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो इफेक्ट यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि हाँ बोर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। इसको सॉल्व रिपेयर करने का सिंपल, आप यहाँ वोल्टेज इंजेक्ट डालते हो और हो जाता है। लेकिन ये सभी को पता है कि 19 वोल्ट की शॉर्टिंग कैसे निकाली जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। नोटपैड के अंदर मैं बताता हूँ आप सबको कि अक्सर हम जो वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं
उसके अंदर 1% कुछ परसेंट का रिस्क होता है कि आप बोर्ड को रिपेयर करने के लिए तो आए हो, बट वो बोर्ड रिपेयर नहीं होता, वो और खराब हो जाता है। कैसे? देखो, अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा ड्राइंग मेथड में बता देता हूँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो सबको पता है कैसे करते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ शायद वो भी पता हो आप सबको। 19 वोल्ट शॉर्टिंग, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, 19 वोल्ट शॉर्टिंग। पता कहाँ पर चलता है? ऑन CLR। बोर्ड में दो CLR होता है, एक अडैप्टर CLR, एक बैटरी CLR। इस CLR के ऊपर आप वोल्टेज इंजेक्ट करोगे, आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर आप CLR निकाल देते हो तो आउटपुट साइड में आपकी शॉर्टिंग होगी, तो आउटपुट में आपको वोल्टेज इंजेक्ट करना होगा, क्योंकि CLR निकालने के बाद आपको दो ट्रैक नजर आते हैं, तो जिस तरफ शॉर्टिंग है वहीं पर वोल्टेज इंजेक्ट करना। अगर लगे लगे कर रहे हो तो कहीं पर भी वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। जब हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं ना, अब आप सबको पता है कि ये कहाँ कहाँ जाता है, ये आपके मेन मॉस्फेट्स से निकल के, अगर ये 3 वोल्ट का कॉइल है तो 3 वोल्ट को जाएगा, ठीक है, और यहीं से अगर ये 5 वोल्ट का कॉइल है, मतलब 5 वोल्ट का सर्किट है, तो 5 वोल्ट के सभी के मेन मॉस्फेट पे जाता है। इसी तरीके से यहाँ से आपकी फिर से मेन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट्स, जो कि आपका 1.5 वोल्ट के ऊपर जाता है, और हर मेन मॉस्फेट्स के पास कम से कम 2 से 3 कैपेसिटर, हर मेन मॉस्फेट के पास 2 से 3 फिल्टर कैपेसिटर लगे रहते हैं 19 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए। तो इस तरीके से आपके बोर्ड में कितने मेन मॉस्फेट्स होते हैं, मेन मॉस्फेट्स कितने होते हैं? तो एक 3 वोल्ट का स्टैंड बाई, एक 5 वोल्ट का स्टैंड बाई, एक 1.5 वोल्ट रैम का स्टैंड बाई, 1.05 वोल्ट PCH का, एंड 1.8 वोल्ट का होता है मोस्टली टाइम, नहीं भी होता, कोर का भी मेन मॉस्फेट होता है और GFX का भी मेन मॉस्फेट होता है। और हर मेन मॉस्फेट्स के पास 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम कैपेसिटर लगा होता है। इसी तरीके से अब अगर आपका कोई कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, समझना बात को, जब कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये वाला कहते ना कि ये कैपेसिटर शॉर्ट था जिसकी वजह से शॉर्टिंग थी, जब ये शॉर्ट हो गया तो क्या हुआ कि नीचे वाला ग्राउंड यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आने का मतलब अब ये यहाँ पर भी पता चलेगा, यहाँ पर भी पता चलेगा, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी, मतलब अगर आप इस कैपेसिटर को भी चेक करोगे तो शॉर्ट दिखलाएगा, इसको भी चेक करोगे तो शॉर्ट दिखलाएगा। क्यों दिखाएगा शॉर्ट? कैपेसिटर तो सिर्फ हमारा ये वाला शॉर्ट है, वो शॉर्ट इसलिए दिखाएगा क्योंकि कैपेसिटर के एक लेग पे तो आपका ग्राउंड है, इस कैपेसिटर की शॉर्ट होने की वजह से ग्राउंड ऊपर आ गया, तो इस लाइन पे क्या आ चुका है, ग्राउंड आ गया ना, और ऑलरेडी कैपेसिटर के एक तरफ ग्राउंड होता है और दूसरी तरफ ग्राउंड आ गया, तो दोनों तरफ ग्राउंड रहेगा तो क्या करेगा, बीप करेगा नहीं करेगा? जब आप कोई ऐसी कंपोनेंट्स को चेक करते हो जो सेम हो, जैसे कि ग्राउंड को ग्राउंड से चेक करोगे तो क्या करता है, बीप आती है, 0 ओम के रेजिस्टर को चेक करो, बीप आती है। तो यहाँ पर ग्राउंड नीचे है, ग्राउंड ऊपर है, आपको पता है कि कैपेसिटर कभी भी बीप नहीं करता, अगर बीप करता है तो वो शॉर्ट है, राइट? तो पहले से कैपेसिटर के पास ग्राउंड होता है और इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से ग्राउंड इस लाइन पे आ जाता है, जिससे कि कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट भी ग्राउंड हो जाता है, तो ग्राउंड ग्राउंड आपस में चेक करोगे तो शॉर्ट दिखाएगा। अब इस तरीके से अगर आप मानते हो 3 कैपेसिटर इसके पास है और 3 कैपेसिटर इसके पास है, 3 इसके पास है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, कितने कैपेसिटर हो गए आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 के अप्रोक्स कैपेसिटर है, उनमें सारे कैपेसिटर आपको बीप करेंगे। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो, अगर कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो पूरे 20 के 20 कैपेसिटर आपको बीप करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सा खराब है, इसीलिए हम वोल्टेज इंजेक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है? इसमें कुछ नया तो नहीं मिला। अब देखो, अगर बाय चांस कभी कोई मेन मॉस्फेट शॉर्ट है, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, मेन मॉस्फेट शॉर्ट है, और ये मेन मॉस्फेट 5 वोल्ट की आईसी, मतलब 5 वोल्ट की
वोल्टेज बनाती है। अब अगर मेन मॉस्फेट शॉर्ट हो गया तो ऊपर 19 वोल्ट की लाइन है ना, आप चार्जर लगाओगे, 19 वोल्ट एक बार यहाँ पर आएगा, और ये मॉस्फेट शॉर्ट होने की वजह से, शॉर्ट का मतलब एक साथ कनेक्ट हो गया, 19 वोल्ट डायरेक्ट नीचे आएगा, उस कॉइल को क्रॉस करते हुए कहाँ चला जाएगा, 5 वोल्ट की आईसी वोल्टेज पे। और 5 वोल्ट हमारी लैन आईसी को, यूएसबी आईसी को, कोर आईसी को जाती है, रैम आईसी को जाती है। अब इन सभी आईसी को कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट था, 5 वोल्ट का, लेकिन इस मॉस्फेट के शॉर्ट होने की वजह से कितना वोल्टेज पहुंच गया, 19 वोल्ट। ये सारी की सारी आईसी शॉर्ट हो जाएगी, सारी नहीं तो कोई एक आईसी शॉर्ट हो जाएगी, कई बार पूरी आईसी शॉर्ट हो जाती है 5 वोल्ट की लाइन में। चलो इसको तो हम रिपेयर कर लेंगे। अगर आपकी 1.5 वोल्ट जो कि रैम है, इसका अगर मेन मॉस्फेट शॉर्ट हो गया, ऊपर 19 वोल्ट है, डायरेक्ट 19 वोल्ट नीचे आएगा और किसको शॉर्ट करेगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट रैम को जाती है और सीपीयू को भी जाती है। तो एक तो आपका रैम शॉर्ट हो सकता है और दूसरा आपका सीपीयू खराब हो जाएगा। तो रैम के लाइन में अगर मेन मॉस्फेट शॉर्ट होता है तो फिर दिक्कत है। इस तरह अगर 3 वोल्ट की लाइन, 3 वोल्ट की लाइन आपको पीसीएच को जाती है, आपके आईओ को जाती है और कुछ आईसी को जाती है, अगर ये मेन मॉस्फेट शॉर्ट हो गया तो कौन सा, या तो पीसीएच या तो आईओ आपका शॉर्ट होगा। लेटेस्ट जनरेशन में ऐसा ही इसलिए हो रहा है कि आपका अक्सर अगर मेन मॉस्फेट शॉर्ट हुआ तो डायरेक्ट, और आजकल तो इंटरनल मॉस्फेट्स हो गया आईसी के अंदर, तो आईसी के अंदर इंटरनल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें नहीं पता, अगर वो शॉर्ट हो गया तो डायरेक्ट आपका पीसीएच या सीपीयू, मतलब पीसीएच के अंदर ही सीपीयू मर्ज हो गया, सीपीयू के अंदर पीसीएच मर्ज हो गया, तो हम कहते हैं सीपीयू शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आपके पास कभी भी सीएलआर पे शॉर्टिंग्स दिखाई देती है इम्पीडेंस चेक करते समय, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो आपको क्या करना है, आप वोल्टेज इंजेक्ट बाद में करो, पहले मिनिमम 10 मिनट्स, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपको बिना वोल्टेज इंजेक्ट किए बोर्ड को चेक करना है, सिर्फ 10 मिनट। क्या कैपेसिटर को चेक करना है फिजिकल, मल्टीमीटर से चेक करोगे तो सारे कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिलेंगे, इसको चेक करना है फिजिकल, सारे कैपेसिटर को वन बाय वन फिजिकल देख लो, हर अब कहाँ पे हर मेन मॉस्फेट्स के पास लगे होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, हर मेन मॉस्फेट्स के पास लगे होते हैं। सेकेंड, आपको हर क्वाइल के साथ लगे जो मेन सपोर्टिंग मॉस्फेट्स होते हैं, उन सभी का मेन मॉस्फेट के अंदर क्या होता है, एक ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है, सोर्स बोल दो या ड्रेन बोल दो, आपको हर मेन मॉस्फेट्स को चेक करना है मल्टीमीटर से डायोड रेंज पे या बीप रेंज पे कि कोई मॉस्फेट डायरेक्ट शॉर्ट तो नहीं हो गया। अब शॉर्ट होता है तो मल्टीमीटर में 0 0 0 शो होता है, बिना वोल्टेज इंजेक्ट किए कम से कम कितना सर्किट है, 1 2 3 4 5 6 7, हर मेन मॉस्फेट को चेक करने में कितना मिनट लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेगा, और फिजिकल चेक कर लो 5 मिनट लगेगा, तो 10 से 12 मिनट का टाइम आप अगर बोर्ड पे देते हो बिना वोल्टेज इंजेक्ट किए, तो 70% टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ देखने से ही 19 वोल्ट की शॉर्टिंग रिमूव कर सकते हो आप। 19 वोल्ट की जो सीएलआर पे शॉर्टिंग आती है, 70% बोर्ड के अंदर सिर्फ आप फिजिकल देखकर ही शॉर्टिंग निकाल सकते हो बिना वोल्टेज इंजेक्ट किए, इससे आपके पास एक सेफ एंड रहता है कि आपका बोर्ड रिपेयर होने का रेशियो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर बाय चांस आपने मेन मॉस्फेट नहीं चेक किया और आपने यहाँ वोल्टेज डाल दिया डायरेक्ट 5 वोल्ट, कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट 5 वोल्ट डाल लेते हैं, अगर स्टार्टिंग आप 1 वोल्ट से करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हीट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ गए या इससे ज्यादा किया, तो 3 रैम की वोल्टेज डायरेक्ट सीपीयू को जाएगी और खराब होने के चांस है, 3 वोल्ट जाएगी और 3 वोल्ट से ज्यादा अगर आपने डाला ये शॉर्ट हो जाएगा। या आप अडेप्टर लगाते हो और अगर यहाँ पे सीएलआर पे 19 वोल्ट एक बार भी आया, 1 सेकेंड, 1 टाइम, और मेन मॉस्फेट पे शॉर्ट होगा, तो आपका डायरेक्ट क्या शॉर्ट हो जाएगा, पीसीएच या आईओ शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको ये थोड़ी सी नॉलेज दी है इसके बारे में, वैसे आप सबको पता है फिर भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए अब मैं इस बोर्ड में अगर फिजिकल देखूं, इस बोर्ड पे अगर मैं फिजिकल देखूं, क्योंकि तो मुझे तो यहाँ पर सीएलआर पे शॉर्टिंग मिला, अब मुझे यहाँ फिजिकल देखना है, तो मैं यहाँ लाइट जला देता हूँ, ठीक है, लाइट जला दिया मैंने। अब यहाँ पर कैसे आपको दिखाऊं कि मेन मॉस्फेट के पास ये होता है, चलो मैं इसके लिए ना आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, मेरे पास R33 का शायद पिक्चर्स पड़ा होगा, एक ही पिक्चर्स पड़ा है, मैं देख लेता हूँ किस साइड का पिक्चर्स है ये।
अच्छा इस साइड है, कोई बात नहीं, इधर तो मेन मॉस्फेट्स है। जैसे कि देखो ये हमारा स्टेप डाउन का सर्किट है, राइट। अब इस स्टेप डाउन के पास मेन मॉस्फेट्स भी कनेक्टेड है और सपोर्टिंग मॉस्फेट भी कनेक्टेड है। अब मेन मॉस्फेट्स कौन सा है, तो मेरा ये है मेन मॉस्फेट्स। मैंने कैसे पहचाना मेन मॉस्फेट, देखो मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट के बीच से क्वाइल निकलता है, तो मेन मॉस्फेट का सोर्स क्वाइल की तरफ होता है, सपोर्टिंग का ड्रेन इधर होता है क्वाइल की तरफ, सपोर्टिंग का सोर्स नीचे होता है। तो यहाँ पर मेन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेन का सोर्स देखो क्वाइल के साथ कनेक्ट है और ये ड्रेन है, 4 पिन ड्रेन है जो उसकी सपोर्टिंग होगा, इसीलिए बोला। तो मेन मॉस्फेट के साथ ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कुछ कैपेसिटर इसके बैक साइड में लगा होगा, यहाँ पर एक लगा है और दो पीछे हो सकता है या एक और पीछे हो सकता है। यहाँ पर भी ये मेन है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक इसके पीछे हो सकता है, हो सकता है। तो हमें इस कैपेसिटर को फिजिकल मल्टीमीटर से चेक करने पे तो शॉर्ट दिखाएगा ही, अगर पूरी एक कैपेसिटर भी शॉर्ट होगा तो आपके बोर्ड में अगर 20 है या 25 है तो वो सारे कैपेसिटर शॉर्ट दिखाएंगे, उसका रीजन मैंने बता दिया। तो आपको मल्टीमीटर से चेक नहीं करना, आपको फिजिकल चेक करना है, आंखों से चेक करना है। क्या चेक करना है, फिजिकल में क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर ब्रोकन आ जाता है या कई बार बीच में नहीं तो साइड से ब्रॉक हो जाता है, जो कलर होता है ना कैपेसिटर का उसका कलर फेड हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, आपको देखते ही पता चल जाता है ये चीजें। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको इस बोर्ड में दिखाऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ इस बोर्ड में ना। अब इसके लिए मेरे को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैं एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेट करो, मैं आपको इसमें ना कैपेसिटर दिखाता हूँ, जैसे कि ओके कैपेसिटर कैसा होता है यहाँ पर देखिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे मैं आपको कैपेसिटर दिखा सकता हूँ। ये हमारा मेन मॉस्फेट्स हो गया, तो मैंने क्लिक कर लिया फोटो और मैं इसे आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फोन को मैं करता हूँ टेलीग्राम पे सेंड, ठीक है। और अब देखो ये कैपेसिटर है आपका, ठीक है ना, ये देखो ये कैपेसिटर आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्रेश है। इनके अंदर क्या होता है, कलर फेड हो जाते हैं ये, यही देखना है फिजिकल, और साइड से भी देखना है। एक तो इसके टॉप बॉडी पे देखनी है इसके ऊपर, और साथ ही साथ आपको इसके बैक साइड से भी देखना है, यहाँ पर या पीछे की तरफ आपको मिलेगा। और मॉस्फेट्स को कैसे चेक करना है, मॉस्फेट्स को कैसे चेक करना है, दो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मल्टीमीटर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, बोर्ड को थोड़ा करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है ना। चलिए तो मल्टीमीटर को हम करते हैं ऑन, और यहाँ पर मैं अगर लाइट बंद करूँ तो मल्टीमीटर क्लियर दिखेगा आप सबको। अब यहाँ पर मेन मॉस्फेट्स है, ठीक है, मेन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट। तो मैं मेन मॉस्फेट्स के मॉस्फेट्स को चेक कर रहा हूँ, डायोड रेंज पे सेट करना है एक बार मल्टीमीटर को, और एक प्रॉब ड्रेन पे और एक प्रॉब सोर्स पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक वैल्यू आने की कोशिश कर रहा है लेकिन OL लिखा हुआ है। अच्छा प्रॉप चेंज करता हूँ मैं एक बार, देखो वैल्यू जो है ना वेरिएबल हो रही है, वेरिएशन हो रही है 200-150 के आसपास। तो क्या ये शॉर्ट है, अभी तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट मोस्फेट आप सबको पता है वैल्यू 0-0 आती है। कोई दूसरा अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेन मेन मॉस्फेट को मैं देख रहा हूँ, 139, 140, ठीक है। अगर इस तरीके से चेक करने पे मल्टीमीटर के अंदर अगर 0-0-0 आता है तो वो मॉस्फेट शॉर्ट है, आप उसे निकाल के फिर बाहर चेक कर लो। देखो इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये एक सेफ्टी पर्पस और बोर्ड रिपेयर करने का रेशू है, और एक अच्छा इंजीनियर कहलाने की पहचान भी है एक तरीके से, अगर वो कई बार हमसे डेड हो जाता है वोल्टेज चेक करने पर। अब इस बोर्ड में मैं देख रहा हूँ तो फिजिकल मैं एक बार देखूँ,
तो मैं लाइट जलाना पड़ेगा मेरे को, और कैपेसिटर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, हर मेन मॉस्फेट्स के पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो लगे हुए हैं, यहाँ पर तीन चार लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर भी दो है, इसके लाइन में, इसके लाइन में यहाँ पर कोर के पास ये लगे हुए हैं, तीन इधर है, तीन इधर है, ठीक है ना, तो इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पर भी है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर मुझे एक कैपेसिटर दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वही चीज कि आपको फिजिकल देखते समय क्या चीज ध्यान रखना है, मैं यहीं पर आपको दिखाता हूँ, ये देखो कि क्या फर्क मिलेगा आपको इसके अंदर देखने में, कैपेसिटर के अंदर। देखो आ गया हमारे पास फोटो, आ चुका है, आप सबको क्लियर समझ में आ जाएगा इस वीडियो का मतलब। अब इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि मॉस्फेट लगा हुआ है ना इसके पास, और इसके पास एक दो तीन चार कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसमें से साफ नजर आ रहा है कि जो एक कैपेसिटर है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है साइड से। क्या हो रखा है साइड से, ये तो आपने वैसे तो हमें देखते ही पता चल रहा है, इसके बॉटम साइड पे ही ये चीजें दिखाई दे रही है, ये चीजें हमें दिखाई दे रही है बॉटम साइड पर ही डायरेक्ट। इस तरीके से आप साइड में भी देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, और इसे निकालने के बाद जो डीसी के अंदर हम देख रहे हैं वो ब्लिंक हो रही है, वो ब्लिंक आती है या चली जाती है, तो इसको मैं यहीं से अगर तोड़ दूं यहां से, मैं इसे तो काफी टाइट है वैसे, ये काफी ज्यादा ही टाइट है, मुझे इसमें एसएमडी का ही यूज करना पड़ेगा, तो मैं एसएमडी यूज कर लेता हूँ जिससे कि प्रिंट भी खराब ना हो जाए, है ना। तो मैं इसे थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करके, SMD का यूज करके मैं इस कैपेसिटर को निकाल देता हूँ। इससे क्या हुआ, मैंने इस CLR के ऊपर वोल्टेज तो नहीं डाला ना, देखने के बाद पता चल गया कि हाँ यहाँ पर ही कैपेसिटर डैमेज हो रखा है। फिर वोल्टेज डालने के बाद फिर देखेंगे चार्जर लगा कर DC लगा कर कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, नहीं होती तो एक बार हम और हर जगह के मेन मॉस्फेट के पास, इस तरह किसी भी कैपेसिटर को नहीं देखना है, सिर्फ मेन मॉस्फेट के पास लगा हुआ कैपेसिटर ही देखना है बस, ठीक है ना। तो मैंने कैपेसिटर निकाल दिया है, और एक बार जहाँ पे CLR पे शॉर्टिंग नज़र आ रही थी वहाँ की शॉर्टिंग को हम पहले चेक कर लेते, ठीक है, कि जो डायोड पे हमने चेक किया था CLR की इम्पीडेंस वैल्यू 0.00 थी, अभी कितनी है अभी, ठीक है, अभी हीट अप्लाई करना है इसलिए थोड़ा सा वैल्यू डाउन है, अभी बढ़ रहा है, तो कभी भी हीट डालने के बाद चार्जर को मैक्सिमम 30 सेकेंड बाद ही अप्लाई करें, मिनिमम 30 सेकेंड के बाद वोल्टेज इंजेक्ट करें जहां पर भी इंजेक्ट करना है, क्योंकि हीट मारने पे जो इम्पीडेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है, उस सर्किट का लो हो जाता है, तो अगर हीट मारा तुरंत वोल्टेज डालते हैं तो सर्किट डैमेज होने का चांस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक सिक्योर चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर होता है। तो मैं फिर से यहाँ पर कनेक्ट करूँगा चार्जर और DC का ब्लिंक, आप देख सकते हैं ही हो रहा है या नहीं, तो अभी कोई भी DC में फ्लैक्चुएशन या फिर ब्लैंक नहीं है। मैं बोर्ड को ऑन करूंगा तो बोर्ड ऑन होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फैन है, फैन स्पिन कर जाएगा, पावर बटन नहीं है, मल्टीमीटर से मैं ऑन करूंगा, मल्टीमीटर से ऑन करने का प्रोसेस है डायोड मोड पे, रेड को ग्राउंड करो, ब्लैक से आप जो भी है आई डोंट नो आप वन बाय वन पिन पे टच कर दो, देख सकते हैं फैन स्पिन कर गया है, और DC रीडिंग आप मार करेंगे तो मार करके देख सकते हैं, डिस्प्ले भी आ ही गया होगा, क्योंकि बोर्ड में प्रॉब्लम 19 वोल्ट की शॉर्टिंग थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिया है, कीबोर्ड में भी लाइट आ चुकी है, देख सकते हैं आप कीबोर्ड में लाइट आ चुकी है, यहाँ पर मैंने कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया था, आपको कीबोर्ड दिखा दूँ अगर, यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड लगा हुआ है, कीबोर्ड की वायर हमारी ये रही, और यहाँ पर आपकी अभी भी ब्लिंक है,
एम्पियर से ही आपको पता चल रहा है कि बोर्ड में डिस्प्ले है। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था, बाकी आप सब को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।